सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को एक बड़ी राहत देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अंतिम फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया है कि उनकी फोटो, आवाज, नाम या उनकी किसी भी विशेषता का उपयोग बिना अनुमति के नहीं किया जा सकता है। अमिताभ बच्चन ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया। ANI के ट्वीट के मुताबिक जाने माने वकील हरीश सालवे उनकी पैरवी कर रहे हैं। मामला न्यायमूर्ति नवीन चावला के समक्ष है। अमिताभ बच्चन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश सालवे ने अदालत को जानकारी दी कि पिछले कुछ समय से इसका उल्लंघन किया जा रहा है और इसी वजह से उन्हें अदालत आने के लिए मजबूर होना पड़ा। सालवे ने व्हाट्सएप लकी ड्रॉ सहित उनके नाम के उदाहरणों और विज्ञापनों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि लकी ड्रॉ के नाम अमिताभ और मुकेश अंबानी है। उल्लंघनकर्ता ने खुलेआम KBC के लोगों की भी नकल की। हमें अक्टूबर में इसकी जानकारी मिली, इसे स्कैम का हिस्सा बताया जा रहा है। हरीश सालवे ने आगे यह भी कहा कि अमिताभ बच्चन का एक वीडियो कॉल भी सामने आया है जिसमें उनकी छवि दिखाई देती है और कोई अमिताभ बच्चन जैसा चेहरा सामने आता है और वो बोलता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनकी तरह ही उसने टी शर्ट पहनी है और वहाँ कोई उनके पोस्टर बेच कर पैसे भी कमा रहा है। सालवे ने यह भी कहा कि किसी ने amitabhbachchan.com के तहत डोमेन नेम रजिस्टर कराया है। उन्होंने कहा, हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि हमें इससे नुकसान हो रहा है। अदालत में यह भी नोट किया गया है कि अमिताभ बच्चन को गंभीर नुकसान होने की संभावना है और अगर आदेश पारित नहीं किया जाता है तो कुछ गतिविधियाँ उन्हें बदनाम भी कर सकती है। अदालत ने अमिताभ बच्चन के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन करने वाली सामग्री को हटाने के लिए अधिकारियों और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को भी निर्देश जारी किए। Thank you.